हमारे हाँ, क्योंकि मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा फेथ है कि मेरे बच्चे पिछले जन्म में मेरे बच्चे का नाम जो था वो रौनक ही था। मतलब मेरा बच्चा 3 महीने का बेबी मर गया था और उसने इस घर में आकर अमिता के यहाँ पर रीबर्थ लिया है, तो वो उसका पहले नाम रौनक था, तो मैं चाहती थी कि इसका इस घर में भी नाम रौनक ही हो। हमारे घर में जो लाइट बहुत ज्यादा रहती है, कम वो भी सोच के रखा है नाम। मैं बस भगवान पे भरोसा रखना चाहती हूँ और अपने पति से सपोर्ट चाहती हूँ, पर वो सपोर्ट नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं दे रहे तो हाँ। बॉस, ये लाइन इंटरव्यू से यहाँ से काट दे रहा है। ऐसा हो सकता है? लुक, ही ट्रस्ट अस, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। सीरियल देखो, पता चलेगा कौन किस पे कितना सपोर्ट करता है और ट्रस्ट करता है। वो राइटर के ऊपर है, वो जैसा लिखता है। तो मैं सीरियल की तो बात कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है, पर्सनल हो जाते हैं लोग। अमिता के बारे में क्या फिर से सवाल पूछना? जी हाँ ठीक है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अमिता का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आई थिंक कि अरे बाजू में क्यों आ गए आप लोग। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अमिता ये सोचती है कि अगर मैं उसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं अंदर ही अंदर उसे बहुत फुल सपोर्ट करता हूँ, प्लस कुछ चीजें मैं ऐसी करता हूँ जो उसे पता नहीं चलता है, जो मैं उसके भले के लिए करता हूँ इनडायरेक्टली, लेकिन मेरा फुल सपोर्ट रहेगा अमिता को। जैसे बता दीजिए, वो लोग पूछेंगे जैसे आप क्या करते हैं। जैसे वो स्कूल जाती है, मैं पीछे से होमवर्क कर देता हूँ। बट इस शो में तो माँ की रोल निभा रहे हैं, बच्चे को खुद ही संभाल रहे हैं और कैसे? नहीं बेटा, बच्चे को मैंने भी संभाला, डायपर मैंने भी बदले, पाउडर तक डालना नहीं आता था, मुश्किल से पाउडर डाला, फिर ये मैडम आ गई कचरी जी, उन्होंने पाउडर दे। हाँ हाँ, एक सेकंड, अगर ये मेरा बच्चा मेरा बच्चा इसी तरह से चलता रहेगा तो मतलब फाइनल डिसाइड क्या है को बच्चा किसका है? कोई बात नहीं, फिर हम इसको पागल करके ना क्या हम डीएनए कर सकते हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आगे जाके इसको इसको पागल करके हम दोनों साथ रहेंगे। अरे बेटा वो कहाँ बोल रही है, मुझे अमित मुझे छोड़ने वाले, अमित मुझे छोड़ने वाले, क्योंकि मैं ऑब्वियसली किसी पागल से तो कोई शादी कंटिन्यू नहीं रखेगा, तो अगर जब मैं पागल होने वाली हूँ आगे तो अमित फिर कजी के साथ रहेंगे और फिर आगे सस्पेंस है तो देखते जाएगा। नहीं लेकिन ऑडियंस आपको क्या लगता है, मैं अमिता को छोड़ सकता हूँ चाहे वो पागल हो कैसे भी हो? सीरियल देख लेना। करेक्ट, तो स्क्रिप्ट के मुताबिक मैं भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं स्क्रिप्ट के थ्रू ही जा रहा हूँ। तो मतलब ऑडियंस, तुम चाह रहे हो टीवी से बाहर आके तुम्हारे पास सीधे आके बोले नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। ये वाओ। अभी तक मुझे ज्यादा कुछ नहीं करवाया गया है, अभी तक तो मैं अगर छत पे भी लेके गई थी मुझे भी नहीं पता था मैं छत पे लेकर के गई हूँ, पर हाँ मैं अभी सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है, मैं बच्चा उठा के ले जाऊँ यहाँ से, तो वो मौका अभी तक मुझे मिला नहीं। तुरंत कचरी मैराथन में मिलेगी बच्चे के साथ। ये बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी नया सस्पेंस आ रहा है तो ऐसे ही अमिता का हमें देखते जाइए मंडे टू थर्सडे 6:30 बजे सिर्फ स्टोरी पर। और हाँ, अमित का बर्थडे आ रहा है परसों, अमित का बर्थडे है, सॉरी निशात का बर्थडे है, तो उससे विश करने जरूर आएगा, है ना? मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आना, मैं आप लोग से मेरे बर्थडे के दिन आप लोग को आप लोग से बातें करना चाहता हूं और आप लोग से दुआएं लेना चाहता हूं ताकि मैं और आगे प्रोग्रेस कर सकूं और मेरे फ्रेंड्स को और खुश कर सकूं, हमारे फ्रेंड्स को, सॉरी। आपको पता है कि सचिन मतलब लास्ट मैच था, करेक्ट, और 74 रन बनाकर। देखो आई थिंक मैंने सचिन के मैचेस मैंने काफी सारे देखे हैं और मेरे पास उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई मेरे घर पे पड़ी है जो कि 45 मिनट्स की है सचिन के ऊपर, हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर,
से लेकर लास्ट वर्ल्ड कप जो भी गया उसके लिए. लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ही इज गॉड, ही इज फैंटास्टिक सचिन. आई थिंक नाउ एट दिस एज एट दिस लेवल नाउ सचिन को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. अगर 74 पे आउट हो गए तो भी वो मास्टर रहेंगे, अगर वो जीरो पे आउट हो तो भी मास्टर रहेंगे, 100 के बाद आउट होते तो भी मास्टर. नाउ आई थिंक सचिन के लिए कोई रन मायने नहीं रखता, उन्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. सचिन को मैं बहुत मिस करने वाला, आई थिंक मतलब क्रिकेट का जो कहते हैं एक फादर, एक जो कहते हैं ना कि एक अगर आप गाड़ी के अंदर से स्टीयरिंग निकाल देते हो तो फिर गाड़ी का कोई मूल्य नहीं रह जाता. आई थिंक सचिन इज द मेन स्टीयरिंग ऑफ द होल इंडियन क्रिकेट टीम. तो आई थिंक अगर वो चला जाएगा तो वो चार्म जो इंडियन क्रिकेट टीम में से चला जाएगा. लेकिन स्टिल आई बिलीव ऑन विराट कोहली, जितने भी यंगस्टर्स है शायद वो हमारी टीम को इसी तरह से आगे ला पाए और कोई और एक नया सचिन मिल जाए हमारे इंडिया को. थैंक यू एंड लव यू सचिन. नहीं, मॉम का बर्थडे और सचिन तेंदुलकर का बर्थडे सेम डे पे है, मैंने बहुत मिस करूंगी. सॉरी, मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है. लेट्स बी वेरी, मैं भी ब्लंट रहना सीख गई हूँ तो मैं ब्लंटली बोल रही हूँ. पर यस, सचिन इज अ वंडरफुल प्लेयर. सो आई थिंक कपिल देव जी के बाद सचिन तेंदुलकर ही है जो इतने लेकिन वो इतने रिस्पेक्टेड है. सो आई एम श्योर सब लोग उन्हें बहुत मिस करेंगे. सो मैं चाहूंगी कि वो इसी तरह यंगस्टर्स को गाइड करते रहें और हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में हर कोई उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम श्योर बन जाएंगे. लाइट ऑफ हो गई. बाय. सचिन तेंदुलकर मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि जब भी अगर आप क्रिकेट का नाम लो तो सबसे पहले सचिन का ही नाम मुंह पर आता है. और मेरा अभी भी मन कर रहा है कि मैं काश लास्ट मैच मैं खुद सामने लाइव देखूं, पर वो पॉसिबल नहीं है. पर हाँ, एक विश है कि सचिन तेंदुलकर बहुत सारे एड फिल्म्स करते हैं, मुझे उनके साथ एक एड फिल्म मिल जाए बस, प्लीज यार. आई मीन आई वांटेड यू यार, एक बार तो मिल जाए. और क्योंकि सचिन है यार, सचिन तो मतलब बचपन से ही नाम सुना है, सचिन 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 का नाम सुन के तो हम बड़े हुए हैं. तो सचिन के लिए तो जितना भी बोलो सब कम है, क्योंकि हम क्रिकेट सोचते हैं, क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट टीम में और हर चीज में सबसे पहले सचिन का नाम आता है. आई लव यू सचिन, आप जो भी हैं. अच्छा, अभी आप बताइए ड्राइविंग के बारे में क्या कह रहे हैं.